तो चलिए बच्चा लोग, आज आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। टुडे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट रेमिंग लेट हैंड रूल। तो सबसे पहले आप लोग को स्ट्रेच द थंब, आपको लेफ्ट हैंड का आपका फिंगर को स्ट्रेच करना है। तो सबसे पहले आप लोग स्ट्रेच करेंगे थंब को, यहाँ देख लीजिए थंब को, फोर फिंगर देख लीजिए इसको बोला जाता है, एंड द मिडिल फिंगर्स इसको बोला जाता है। अच्छा से याद रखिए, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये राइट एंगल का शेप में होना चाहिए, क्लियर। तो ये राइट एंगल का जब शेप में होगा तो आपका फिर सच दैट द फोर फिंगर्स पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपका फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है क्या, आपका फोर फिंगर देख लीजिए, आपका फोर फिंगर ये है, ये तो इसमें याद रखिएगा ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर उसके बाद मिडिल फिंगर, इसमें अच्छे इस तरह से देख लीजिए, मिडिल फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करेंट, और थंब डायरेक्शन फोर्स और मोशन। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये आपका फोर फिंगर ऐसा स्ट्रेच कर लीजिए फोर फिंगर, तो ये थंब स्ट्रेच कीजिएगा, ये आपका मिडिल फोर फिंगर इसको बोलता है, फोर फिंगर इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो आपका फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो होता है ये क्या होता है, ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये मिडिल फिंगर इसका हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करेंट, इसमें क्या होता है करेंट, मिडिल फिंगर में क्या होता है करेंट, और थंब क्या होता है आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन होता है इसमें। याद रखिएगा लेफ्ट हैंड का आपका स्ट्रेच करना है थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, थंब जो होता है क्या मोर फोर फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या होता है आपका करेंट, और थंब जो होता है मोशन और फोर्स होता है ऑफ अ कंडक्टर। अच्छी तरह से स्ट्रेस फोर फिंगर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, स्ट्रेस फोर फिंग स्ट्रेस थंब, ये थंब होता है, फोर फिंगर्स, मिडिल फिंगर। तो देख लीजिए थंब में मोशन और फोर्स से यहाँ लिख लीजिएगा, और मिडिल फिंगर में क्या है आपका करंट है, और फोर फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।